क्या आपने पहचाना कौन है ये? डू लेट मी नो अगर पहचाना है तो, अगर नहीं पहचाना तो मैं बता देती हूँ, ये है अभिमन्यु देसाई, बॉलीवुड एक्टर. यू नो लाइक ये जो इवेंट है न्यू जर्सी का बहुत खास और बहुत बड़ा इवेंट है, गणपति बप्पा का. यू नो लाइक जो गणपति बप्पा है ये हमारे न्यू जर्सी में आ चुके हो और बहुत ही शानदार तरीके से पूरे दिन, जितने भी दिन है यहाँ पे गणपति, पूरी धूम मचा के रखी है. लाइक बहुत मज़ा आया. आप देख सकते हो कि गणपति कितने खूबसूरत लग रहे हैं. यू नो लाइक वो वाइब जो आती है एकदम इंडिया वाली, आप मिस नहीं करोगे, आप क्रेव नहीं करोगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी. आई मीन जहाँ देखो वहाँ आपको प्योर हाई वाइब और इतना हसीन माहौल. और जो भक्ति वाले सॉन्ग्स होते हैं ना, जब हम किसी भी पंडाल में जाते हैं या किसी भी रिलीजियस इवेंट में जाते हैं तो जो सॉन्ग्स बजते हैं, ओए होए क्या मज़ा आता है. ये जो फीलिंग आती है ना, आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी रेज हो जाती है. और जब आप ऐसे माहौल देखते हो आपको महसूस नहीं होता कि आप इंडिया में हो या बाहर हो. आई हैपन टू फ्लाई न्यू जर्सी जस्ट फॉर दिस इवेंट और मैं तो एकदम स्टन रह गई. ओ माई गॉड, किस तरीके से इतना खूबसूरत पंडाल सजाया हुआ था और कितनी खूबसूरती से लोगों की श्रद्धा दिख रही थी. मतलब न्यू जर्सी के हर एक कोने से, हर एक जगह से लोग देखने आए थे. ये इतने बड़े मतलब गणपति यहाँ पे स्थापित किए थे और जिस तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, आपको ज़रा भी महसूस नहीं होगा कि आप इंडिया में नहीं हो, आप बाहर हो. एकदम फैमिलियर फेसेस और वो रिचुअल और वो पूरा स्पिरिचुअलिटी वाला पूरा फीलिंग. और जहाँ पे भी आप देखो, यू नो लाइक खाने के स्टॉल जो हमारे इंडिया में मिलते हैं, लाइक जो स्टॉल लाइक पानी पूरी हो गया और जो भी फॉर एग्जांपल चाट वगैरह, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पानी पूरी, चाट और स्ट्रीट फूड, छोले भटूरे, सब चीज़ मिलते हैं. और ये हमारी किरण बेदी जी, इनकी भी स्पीच थी यहाँ पर, ये भी आई थी हमारे इस इवेंट में. ओवरऑल द इवेंट वॉज सो नाइस एंड आई वॉज सो थ्रिल्ड. और मेरे दिल में इतनी खुशी हो रही थी दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल शो. आई मीन शो नहीं, इवेंट का. बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा देख के. सिक्योरिटी भी हर जगह एकदम उमदा, आपको ज़रा भी महसूस नहीं होगा कि आप इंडिया में नहीं हो. आप देख सकते हो स्टॉल लाइक ड्रेसेस के स्टॉल, ज्वेलरी के स्टॉल्स. ओ माई गॉड, आई एम अ बिग फैन ऑफ ब्लैक मेटल, जंक ज्वेलरी, तो मैंने तो बहुत सारी शॉपिंग की मेरे लिए. मैं आपको दिखा देती हूँ एक ओवरऑल व्यू. अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल इवेंट भी हुए, यू नो लाइक टू कीप अवर कल्चरल वैल्यू अलाइव. ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है. ये यू नो लाइक ये हेरिटेज जो हमको मिला है, बहुत अच्छा लगा इस डांस देख के. और फाइनली हम जाते हैं पंडाल में. यू नो अभी हम जाने वाले थे वापस घर, तो सोचा कि चलो ठीक है एक बार और दूर से दर्शन कर लेते हैं मौर्या का, पप्पा मौर्या. बहुत अच्छा लगा. तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी. जहाँ आप देखोगे वहाँ पे लाइक पुलिस, जैसे आप देख सकते हो पुलिस है यहाँ पे हर जगह टू टेक केयर ऑफ अर्स. और हर जगह एकदम सेफ सिक्योर माहौल और वो रिलीजियस वाली फीलिंग बहुत अच्छा लगा था देख के. दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया मेरा. तो आप बताना कि आप जिस जगह में रहते हो उस जगह का मौर्या इवेंट कैसा हुआ. मेरे यहाँ का तो एकदम शानदार रहा, मैंने आपको बताया भी, बट आप ज़रूर बताना. सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली.